जिला अधिकारी कार्यालय में 20 कर्मी सभागृह में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस कार्यक्रम में कोरोना में दोनों ही पालक गवाए बच्चों को धनादेश वितरण किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से कईयों ने आप्त स्वकीय गवाया, जिसमें अनेक बच्चों ने अपने एक या दो पालक गवाए। ऐसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण के लिए सभी ने एक साथ आकर सहायता करे और संकट से मार्ग निकाल कर उनका भविष्य बनाए, ऐसा प्रतिपादन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने किया। जिलाधिकारी कार्यालय के 20 कलमी सभागृह में आयोजित पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन इस कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर भागवत कराड़ इनके साथ लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, जिलाधिकारी अजय गुल्हा ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी, महिला व बाल विकास अधिकारी दीपक बानाइत, बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर प्रमुखता से उपस्थित थे। पिछले दो वर्ष कोविड-19 का प्रादुर्भाव था, ऐसा बताते हुए डॉक्टर कराड़ ने कहा, कोरोना से देश में करीबन 4,500 बच्चों ने अपने माता पिता गवाए हैं। उनका पालन पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य संगोपन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री चाइल्ड केयर निधि यह योजना 29 मई 2021 को जाहिर की। इस माध्यम से 23 वर्ष अंतर्गत बच्चों को केंद्र सरकार के ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना अंतर्गत संबंधित जिलाधिकारी या इस तरह के बच्चों के पालक रहेंगे, केवल पालक ही नहीं तो उनका ध्यान रखेंगे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने की व्यवस्था आदि जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर रहेगी। इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कराड़ इनके हाथों दोनों ही पालक गवाए कुल 11 बच्चों को आर्थिक सहायता का धनादेश, स्वास्थ्य बीमा का प्रमाण पत्र दिया गया। इसमें 18 वर्ष आयु से अधिक आयुष, मेश्राम, पूर्णिमा, जम्बोजवार, मयूर डांगरी इन लाभार्थियों का समावेश है।